बच्चों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का गणित की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा तीसरी के गणित में अध्याय 7 भिन्न। और बच्चों आपको बता दें कि भिन्न पाठ का पहला वीडियो हम आप तक पहुंचा चुके हैं। आज हम दूसरे भाग में सीखेंगे। सीखने के प्रतिफल के अंतर्गत M306 के तहत दिए गए निर्देश के अनुसार चित्र में रंग भरना, किसी वस्तु को बराबर भागों में बाँटना, चित्र देखकर बराबर हिस्सों की पहचान करना और आकृति के हिस्सों को भिन्न के रूप में लिख पाना। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आइए देखिए इन आकृतियों को, आकृतियों के आधे भाग में आपको रंग भरना है। बच्चों आधा किसको कहते हैं ये आप पहला वीडियो में समझ चुके हैं। देखिए पहला आकृति को यहाँ पर वृत्ताकार आकृति है जिसको दो बराबर भागों में बांटा गया है, तो एक हिस्सा इसका आधा कहलाएगा और दूसरा हिस्सा भी उस पूर्ण इकाई का आधा कहलाएगा। तो हमको देखिए इस प्रकार से आधे हिस्से में रंग भरना है, ठीक है। वैसे ही आपको बाकी चित्रों में भी आधे हिस्से में रंग भरना है। चलिए इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये एक वर्गाकार आकृति है, इसके दो बराबर हिस्से किए गए हैं, एक हिस्सा रंगीन दिखाई दे रहा है, यही इसका आधा हिस्सा है जिसको रंगीन किया गया है। ऐसे ही आपको वहाँ पर चित्रों में भी करना है। ये देखिए ये दूसरा चित्र, इसको दो बराबर भागों में बांटा गया है, पहला भाग यहाँ पर रंगीन किया गया है और दूसरा भाग को रंगीन नहीं किया गया है। आधा हिस्सा को रंगीन करने का मतलब दोनों में से आपको एक हिस्से को रंगीन करना है। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये आपके लिए अभ्यास है। यहाँ आप सभी चित्रों को ध्यान से देखिए और प्रत्येक चित्र के आधे भाग में आपको अपना मनचाहा रंग भरना है। आइए अब इस चित्र को ध्यान से देखिए। आकृतियों के पाँव या एक चौथाई भाग में आपको रंग भरना है। पाँव का मतलब एक चौथाई ही होता है बच्चों आपको। तो यहाँ पर देखिए पहला चित्र जो दिख रहा है वो चार बराबर हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्से को हम पाँव या एक चौथाई कहते हैं। चलिए इसको इस उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर देखिए एक वृत्ताकार आकृति है जिसको चार बराबर भागों में बांटा गया है और एक हिस्से को रंगीन किया गया है। इसी रंगीन भाग को हम पाव या एक चौथाई कहते हैं। यहाँ पर और देखिए एक उदाहरण, एक त्रिभुजाकार आकृति है जिसको चार बराबर भागों में बांटा गया है और एक भाग को रंगीन किया गया है। इस रंगीन भाग को हम पाव या एक चौथाई कहेंगे इस चित्र की तुलना में। अब आप समझ गए होंगे पाव या एक चौथाई किसको कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए अभ्यास कार्य है, इन चित्रों को ध्यान से देखना है आपको और प्रत्येक चित्र में पाव या एक चौथाई भाग को अपने मनचाहा रंग से भरना है और अपने बड़ों के साथ चर्चा करना है, अपने दोस्तों के साथ चर्चा करना है कि आपने सही किया है या नहीं किया है। तो ये आपके लिए अभ्यास कार्य है। अब चलिए इस चित्र को देखिए ध्यान से। यहाँ पर आकृतियों के पौन या तीन चौथाई भाग में आपको रंग भरना है। तो आकृतियों के पौन भाग किसे कहते हैं या उसी को तीन चौथाई किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। ये आप वर्गाकार आकृति देख रहे हैं, इसको चार बराबर हिस्सों में विभक्त किया गया है और इसमें से तीन हिस्से को रंगीन किया गया है। आप पौन तो समझते ही हैं, है ना। पौन को ही हम तीन चौथाई भी कहते हैं। तीन चौथाई का मतलब है चार हिस्सों में से तीन हिस्से को लेना, चार भागों में से तीन भागों को रंगीन करना ही तीन चौथाई कहलाता है। देखो शब्दों में ही यहाँ पर पूरा उसका परिभाषा है, तीन चौथाई। चौथाई चार हिस्से किए गए हैं किसी आकृति के, चार बराबर हिस्से किए गए हैं, उसमें से तीन हिस्सों में रंग भरा गया है, इसलिए हम इसको तीन चौथाई कहते हैं। एक उदाहरण देखिए, यहाँ पर एक आयताकार आकृति है जिसको चार बराबर हिस्सों में विभक्त किया गया है और तीन भागों को रंगीन किया गया है, इसको भी हम कहेंगे तीन चौथाई भाग में रंग भरा गया है। ऐसे ही देखिए एक और आकृति है वृत्ताकार, इसको भी चार बराबर हिस्सों में विभक्त किया गया है और तीन भागों में रंग भरा गया है। अब आप समझ गए होंगे कि आपको इन आकृतियों में कैसे रंग भरना है। तो चलिए आप फटाफट रंगीन पेंसिल उठाइए और इन आकृतियों के तीन चौथाई या पौन भागों में अपने मनचाहा रंग भरिए, अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए। अब बच्चों आइए बात करते हैं आकृतियों के एक तिहाई भाग में रंग भरने की। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ आकृतियाँ आपको दी गई हैं, इनके एक तिहाई भाग में आपको रंग भरना है। चलिए कैसे भरना है एक बार उदाहरण के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये आकृति आपको दिखाई दे रही है, इसको तीन बराबर भागों में बांटा गया है और तीन बराबर भागों में से एक भाग को रंगीन किया गया है।
अब देखिए इसी में इसका परिभाषा है, इसको हम तीन भागों में बटा हुआ है, एक भाग को रंगीन किया गया है इसलिए हम इसको एक तिहाई कहेंगे। तीन भागों में से एक भाग को रंगाए हैं तो क्या कहलाएगा, एक तिहाई। अब देखिए इस चित्र को भी, यहाँ पर इसको भी तीन बराबर भागों में बांटा गया है, एक भाग को रंगीन किया गया है इसलिए इसको भी हम कहेंगे एक तिहाई, रंगीन भाग को। और ये आकृति देखिए आप, अब आप समझ गए होंगे तो इन आकृतियों को ध्यान से देखिए और सभी आकृतियों के एक तिहाई हिस्से में आपको रंग भरना है और अपने बड़ों के साथ चर्चा भी करना है आपको। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। अब चलिए हम सभी को एक साथ मिलाकर काम करने का प्रयास करते हैं। आप ये कुछ आकृतियाँ देख रहे हैं, आकृतियों के रंगीन भाग कितना है, आधा है, पौन है, पाव है या एक तिहाई है, ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखिए सभी आकृतियों को और आपको बताना है। चलिए पहला आकृति देखिए और अपने मन में प्रश्न कीजिए कि यह कितने बराबर भागों में बटा हुआ है। तो उत्तर क्या मिलेगा, तीन बराबर भागों में। अब प्रश्न कीजिए अपने आप से कि कितने हिस्से रंगा हुआ है इसका, तो एक भाग रंगा हुआ है। तीन में से एक भाग रंगा हुआ है, तीन बराबर भाग में से एक भाग रंगीन है इसलिए इसको हम एक तिहाई हिस्सा कहेंगे, रंगीन भाग को। बच्चों इसी प्रकार से दूसरा चित्र को ध्यान से देखिए, इसका कितना हिस्सा रंगा हुआ है। अपने से सवाल कीजिए कि यह जो आकृति है कुल कितने बराबर भागों में बटा हुआ है, तो जवाब मिलेगा चार बराबर भागों में। अब कितने भाग इसका रंगा हुआ है, तो जवाब मिलेगा तीन भाग रंगा हुआ है, चार में से तीन भाग रंगा हुआ है ना। तो चार बराबर भाग में से तीन भाग रंगीन है, इसे तीन चौथाई या पौन भी हम कहते हैं। इस प्रकार से बच्चों बाकी चित्रों को आप ध्यान से देखिए और उसके नीचे जो लाइन है उस पर आपको लिखते जाना है कि यह कितने हिस्से को रंगा हुआ है उसको। तो पहला हमने लिखा एक तिहाई, दूसरा हमने लिखा तीन चौथाई, तीसरा में आप क्या लिखेंगे ये आपको सोचना है, बड़ों से चर्चा करना है और अपने साथियों के साथ मिलकर इस अभ्यास कार्य को पूर्ण करना है। चलिए अब बताइए क्या आप एक चौथाई और तीन चौथाई को संख्याओं में लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं ध्यान से। यहाँ पर आप एक आकृति देख रहे हैं, देखिए इस आकृति को कुल कितने बराबर भागों में बांटा गया है, तो आप भरेंगे यहाँ पर चार बराबर भागों में बांटा गया है। अब देखिए बच्चों इन चार बराबर भागों में से कितने भाग को रंगीन किया गया है, तो आपका जवाब होगा एक भाग को। अब देखिए इसी को हम कैसे लिखेंगे, एक को ऊपर लिखेंगे और उसके बाद चार को बीच में एक लाइन खींच के चार को नीचे लिखेंगे और इसको हम पढ़ेंगे एक बटे चार। समझ में आया ना, सिर्फ दूसरा उदाहरण से आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देख रहे हैं एक आकृति और दिखाई दे रही है आपको जिसको चार बराबर भागों में बांटा गया है और कितने भाग को रंगीन किया गया है, तीन भाग को। तो हम लिखेंगे किए गए भाग में चार लिखेंगे और रंगीन भाग में क्या लिखेंगे, तीन लिखेंगे। अब तीन को ऊपर लिखेंगे, नीचे एक लाइन खींचेंगे और उसके नीचे लिखेंगे चार, इसको हम कहेंगे तीन बटे चार। चलिए अब सीखते हैं दिए गए आकृति को भिन्न के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ आकृतियाँ दी गई हैं आपको और कुछ कालम भी दिए हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है कुल कितने बराबर भाग किए गए हैं इसको भरना है हमको, और आकृति का रंगीन भाग कितना है इसको भी भरना है, और भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे इसको समझेंगे। तो पहला उदाहरण आप देख रहे हैं बच्चों वृत्ताकार आकृति है जिसको चार बराबर भागों में बांटा गया है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कितने बराबर भाग किए गए हैं उसमें, चार लिखेंगे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, और आकृति का रंगीन हिस्सा कितना है यहाँ पर, एक, तो यहाँ पर आप लिखेंगे एक। अब इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, जैसे हम पहले बताए हैं आपको, आप रंगीन हिस्से की जो संख्या है एक इसको ऊपर लिखेंगे और जितने बराबर भाग किए गए हैं, यहाँ पर चार किए गए हैं इसलिए हम चार को नीचे लिखेंगे। इस प्रकार से आप समझ रहे हैं कि जितने बराबर भाग में वो आकृति बटी होती है उसकी संख्या को हमको नीचे लिखना होता है और जितने भाग रंगीन किए जाते हैं उतने हिस्से को हमको, उतने संख्या को हमको ऊपर लिखना होता है। इस प्रकार से आपने समझा कि हम आकृति को देखकर उसको भिन्न के रूप में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे ही आपको बाकी आकृतियों को भी ध्यान से देखकर उसको भिन्न के रूप में लिखना है।
बच्चों अब चलिए देखते हैं दिए गए भिन्नों में अंश और हर को कैसे पहचान सकते हैं। अभी हमने आपको बताया कि आकृति को कितने बराबर भागों में बांटे हैं उसको हम नीचे लिखते हैं, और उन बराबर हिस्सों में से कितने हिस्से को रंगीन किए हैं उसको हम ऊपर लिखते हैं, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर कुछ भिन्न दिखाई दे रही है आपको, 1/2, 1/4, 3/4। तो ऊपर की जो संख्या है उसको हम अंश कहते हैं और नीचे की संख्या को हम हर कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 1/2 में अंश क्या है, 1 है, हर क्या है, 2 है। ठीक वैसे ही देखिए 1/4 में अंश क्या है, 1 है, और हर क्या है, 4। क्या आप बता सकते हैं 3/4 में अंश क्या होगा, 3 है और हर 4 है। इस प्रकार से अंश और हर को आप पहचान सकते हैं। चलिए आपके लिए एक अभ्यास कार्य है, देखिए यहाँ पर अभ्यास कार्य को आपको अपने साथियों के साथ मिलकर संपन्न करना है। पहला भिन्न आपको दिया हुआ है 3/5, इसमें अंश क्या होगा और हर क्या होगा आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक वैसे ही 2/4 में अंश क्या है, हर क्या है आपको लिखना है, और ऐसे ही बाकी सवालों को भी आपको हल करना है। तो बच्चों इस प्रकार से हम भिन्न के कुछ अवधारणाओं को यहाँ पर समझने का प्रयास किए हैं, साथ ही साथ हम चित्र को देख कर भिन्न बनाना भी सीखे हैं, अंश और हर के बारे में भी समझ बनाए हैं। तो ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है, मिलेंगे अगले पाठ में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।